ही होता है। एक शुरुआत ढूंढो तो उसके पीछे एक और शुरुआत मिल जाती है। हर शुरुआत के पीछे कई शुरुआत होती हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई क्षितिज को यानी होराइजन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कभी आगे नहीं आता, वो आगे ही आगे चलता रहता है। किनारे बैठकर हम अगर नागपुर का इतिहास छूने की कोशिश करें तो चलिए देखें कहां तक पहुंचते हैं। पहली बार नागपुर का नाम लिखा हुआ या दर्ज किया हुआ मिलता है 940 ईस्वी में, यानी 940 AD, एक कॉपर प्लेट पर देवली गांव में, जो आज के वर्धा जिला में है। लेकिन नागपुरी नाम आया कहां से? इतिहास इसके दो सबूत बताता है। एक तो ये कि ये कस्बा या शहर जो भी था उस वक्त नाग नदी के किनारे बसा हुआ था, उसी से इसका नाम नागपुर पड़ गया। दूसरा ये कि नागा नामी कबीले के लोग यहाँ रहते थे, एक ट्राइब थी आदिवासी लोग जो नागा कहलाते थे, उनकी वजह से इसका नाम नागपुर पड़ा। रामायण में जिक्र आता है कि वंध्या और सतपुरा के बीच में घना जंगल था, जो धुंधकर्ण के नाम से मशहूर था, और नागपुर उसमें शामिल था, और ये भी विदर्भ का एक अहम कस्बा था। 250 ईस्वी मतलब AD में वाकाटक वंश के राजा विंध्या शक्ति ने विदर्भ में अपना राज स्थापित किया। उनके बाद उनके बेटे के बेटे यानी पोते रुद्रसेन दो यानी रुद्रसेन दी सेकंड स्वर्ण युग के चंद्रगुप्त दोनों की बेटी प्रभावती से शादी की। रुद्रसेन ज्यादा दिन जिंदा न रह सके तो उनके बेटे दिवाकर सेन गद्दी पर बैठे, लेकिन अभी कम उम्र थे इसलिए प्रभावती ने राजपाट संभाला और पिता के हाथ से कुछ बड़े अहदेदारों को बुलवाया, एक मिलिट्री और एक सिविल यानी फौजी और शहरी इंतजाम संभालने के लिए। जो शहरी इंतजाम संभाल रहे थे वो विश्व प्रसिद्ध संस्कृत के महाकवि कालिदास थे। और रामगिरी जिसे अब हम रामटेक कहते हैं, वहां बैठकर मेघदूत की रचना की, ये नाम भी नागपुर से जुड़ गया। इतिहास की करवट भी कभी कभी एक सदी लंबी हो जाती है और दौर बदल जाते हैं। 13वीं सदी में जब दक्षिण यादव राज के तहत था, मराठी लिटरेचर ने बहुत तरक्की की और नागपुर की आम जनता की जबान मराठी की थी। पहले मराठी कवि मुकंद राज का जिक्र भी उसी सदी में मिलता है। हेमाद्री नाम के यादव राजा ने अपने जमाने में बहुत से मंदिर और दूसरी इमारतें बनवाई और वो हिमाड़पंथी आर्किटेक्चर से मशहूर हो गया। आदासा, अम्बोरा, भोगांव, रामटेक, नागपुर जिला में और बहुत सी जगहों पर हिमाड़पंथी मंदिर अब भी देखे जा सकते हैं। लेकिन 13वीं सदी खत्म होते होते 1318 में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने यादव राजा हरपल देव को हरा कर विदर्भ और महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से में इस्लामिक कल्चर की शुरुआत की। इस्लामिक दौर में मखदूमुल्लाह शाह सबसे बड़ा हुक्मरान माना गया है। नागपुर के इर्द गिर्द फैले हुए छोटे मोटे गाँव को जीत के मजबूत नागपुर और वो राजकुमार परिवार से था।
वाले चांद सुल्तान ने मशहूर जुमा तालाब बनवाया जो अब गांधी सागर कहलाता है। वहीं से सारे शहर को पानी सप्लाई होता था और शहर के गिर्द दीवारें और गेट बनवाए जिनमें जुमा गेट अब तक मौजूद है और गांधी गेट कहलाता है। जब चांद सुल्तान की मौत हुई 1742 में तब उनकी बेवा यानी विधवा ने राजपाट का एक फैसला करने के लिए मराठा राज के सरदार रघुजी भोंसले को दावत दी और 4-5 साल के अंदर ही रघुजी ने सारा राजपाट संभाल लिया और मराठों का दौर शुरू हो गया। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 में दूसरे रघुजी भोंसले और ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया मिलकर अंग्रेजों से लड़े। और एक बड़ा हिस्सा राजपाट का अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। अब अंग्रेजों का दौर शुरू हुआ। तीसरी एंग्लो मराठा वॉर वो जंग हुई। अप्पा साहब जम के लड़े अंग्रेजों से कुछ अर्सा एक आपसी सीमा चली लेकिन 1853 में डॉक्ट के तहत अंग्रेजों ने पूरा राजपाट संभाल लिया। ये हमारी आजादी की पहली लड़ाई 1857 से ठीक 4 साल पहले की बात है। अंग्रेजों के हाथ पांव ऑक्टोपस की तरह हिंदुस्तान में फैल रहे थे। 1861 में अंग्रेजों ने नागपुर को राजधानी बनाकर सेंट्रल प्रोविंसेस की स्थापना की। 1891 में कांग्रेस का 7वां अधिवेशन नागपुर में हुआ और उसकी वजह से आजादी आंदोलन में एक नई लहर दौड़ गई। 1907 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का सर्वे किया और जैसे नाभि जिस्म की नसों का केंद्र होती है वैसे नागपुर में 0 माइल पत्थर रखा गया। इस तरह नागपुर हिंदुस्तान का केंद्र बिंदु यानी सेंटर बन गया। एक तरह से नागपुर हिंदुस्तान की नाभि है। 1907 ही में लोकमान्य तिलक कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के बड़े लीडर बन गए। नागपुर में दादा साहब खापड़े, डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार तिलकवादी स्कूल को रिप्रेजेंट करते थे। उसी साल कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होने वाला था। लोग चाहते थे कि तिलक ही उसके अध्यक्ष हों। स्कूलों कॉलेजों के विद्यार्थियों ने तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल की तस्वीरें लेकर जुलूस निकाले। कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपने यूरोपियन प्रोफेसरों का स्वागत वंदे मातरम से किया। नागपुर की गलियां मोहल्ले वंदे मातरम के गाने से गूंज उठे। और एक नया आंदोलन शुरू हुआ, बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। 1920 में जब तिलक का देहांत हुआ कांग्रेस में काफी तब्दीलियां शुरू हो गई थी। गांधी जी ने संपूर्ण आजादी के आंदोलन की शुरुआत नागपुर से 75 किलोमीटर दूर सेवाग्राम से की और सेवाग्राम को अपनी कर्मभूमि बनाया। 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की जो आज दुनिया की सबसे बड़ी NGO है। मार्च 1929 में साइमन कमीशन के मेंबर जब नागपुर पहुंचे तो विद्यार्थियों ने कमीशन के खिलाफ जुलूस निकाले और 14 जुलाई को हिस्लॉप कॉलेज की इमारत पर हमारा नेशनल फ्लैग लहराया गया। 16 अप्रैल 1930 को नागपुर वार काउंसिल तैयार की गई
12 अगस्त 1942 इतवारी रेलवे द्वारा वहां पोस्ट ऑफिस को आग लगा दी गई। ये क्विट इंडिया आंदोलन का एक हिस्सा था। 1942 में जब कांग्रेस ने क्विट इंडिया का आंदोलन शुरू किया तो नागपुर ने जोर शोर से उसके साथ दिया। 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान आजाद हो गया। नागपुर में ऐतिहासिक सीतावर्डी किले पर राष्ट्र ध्वज लहराया गया। October 14, 1956 श्री बाबा साहेब अम्बेडकर की लीडरशिप में नागपुर में 3,80,000 लोगों ने बुद्ध धर्म अख्तियार किया। दीक्षा भूमि एक बड़ा पवित्र स्थान है नागपुर में। एक और चीज जिसके लिए नागपुर मशहूर है वो रॉयल बंगाल टाइगर्स है। बल्कि नागपुर को संतरा नगरी के साथ साथ टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रिंट मीडिया में भी नागपुर का योगदान कम नहीं है। देश सेवक नाम से पहला मराठी अखबार 1907 में शुरू हुआ और 1922 में संस्कृत का पहला बाई मंथली मैगजीन निकल गया। स्कूलों और कॉलेजों में भी नागपुर का बड़ा योगदान है। 1920 में 46 पब्लिक स्कूल थे नागपुर में। लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल नागपुर में सीतावर्डी में 1878 में शुरू हुआ। 1923 में नागपुर यूनिवर्सिटी कायम हुई। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश 1947 वो एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज था। नागपुर में एक अनोखा त्यौहार होता है मारबत, जो हिंदुस्तान में और कहीं नहीं होता। बड़े बड़े पुतले बनाकर निकाले जाते हैं नागपुर की सड़कों पर, ये सोच कर घुमाए जाते हैं कि नगर में कोई बदशगुनी, कोई बदी या बदरू ना बचे और न एक तालाब पर ले जाकर जला दिया जाता है। ये रवायत 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। रामनवमी शोभा यात्रा एक और खूबसूरत त्योहार है नागपुर में। राम सीता लक्ष्मण के साथ हनुमान जी की मूर्ति लगाकर रथ सजाए जाते हैं और गाते बजाते नागपुर की गलियों में निकाले जाते हैं। नागपुर से बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिंदुस्तान की उन्नति और तरक्की में हिस्सा लिया है। बड़े रंग देखे हैं और दिए हैं नागपुर ने अपने देश को। नागपुर हिंदुस्तान की सतरंगी है, हमारी रेनबो है। अगर ये पानी में पिघल के खुल जाए तो कुछ ऐसे ही रंग आपको दिखाई देंगे जो इस सब पानी के पर्दे पर रक्स कर रहे हैं और गुनगुना रहे हैं। Thank you.
Thank you.